हेलो डोमेस्टिक पीपल, आप लोग कैसे हैं? आज हम बात करने वाले हैं उन रोबोट्स के बारे में जिन रोबोट्स के द्वारा विलेंस लोगों ने वो बॉय का बजाना चाहा बैंड पर कर नहीं पाए कभी भी। हाँ, उन्हीं डिस्ट्रॉयर रोबोट्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। उन तीन डिस्ट्रॉयर रोबोट्स जिनसे लड़ के भी कोई जीत नहीं सकता, पर वो बॉय कैसे ना कैसे जीत चुका है। तो आज हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रॉयर रोबोट्स के बारे में, और इन डिस्ट्रॉयर रोबोट्स को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं अगर आपने वो बॉय सीरीज देखा है। और मुझे माफ़ कर देना, मैंने एक नहीं, दो नहीं, तीन महीना, चार महीना, पाँच महीने तक कहाँ नहीं गायब हो गया, क्योंकि मेरे पहले तो सर्दी हुआ, उसके बाद एग्जामिनेशन, उसके बाद मुझे रेस्ट लेना पड़ा, उसके बाद फिर से सर्दी हो गया, बाद में मुझे पता चला मेरा एक LB फॉर एवरीथिंग भी है, जिसके वजह से अभी आपको वीडियो देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मैं बहुत ही लेट वीडियो बना रहा हूँ और मेरा वीडियो का थोड़ा सा कंटेंट अच्छा नहीं भी हो सकता है, क्योंकि मैं पहले वांडरशर फिल्मोरा पे वीडियो बनाता था और अभी यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, यानी मोबाइल पे वीडियो बना रहा हूँ। फिर भी पहले जैसे ही मज़ेदार वीडियो बनाऊँगा। जो भी अब बहुत बकवास कर लिया है, अब वीडियो पे आगे बढ़ते हैं, यानी वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। तो फर्स्ट जो डिस्ट्रॉय रोबोट के बारे में हम बात करने वाले वो है अपना सबका प्यारा प्रोब। हाँ, वही प्रॉब्लम वाला प्रोब जो हमें हर वक्त हंसाता रहता है, और वो एक डिस्ट्रॉयर रोबोट भी है, और वो है अडुडु का फेवरेट डिस्ट्रॉयर रोबोट, एंड वो अडुडु को मिस्टर बॉस बुलाता है। अब आप लोगों को ये सब तो पता ही होगा, तो मैं कुछ अलग तरीके से बात करता हूँ। यानी आपको क्या पता है दोस्तों, प्रोब का फुल नेम क्या है? प्रोब का फुल नेम है AR प्रोब। इसका फुल नेम मुझे नहीं पता है कि AR का फुल क्या मीनिंग है, पर मुझे बहुत ढूंढने के बाद मिला है कि प्रोब का फुल नेम है AR प्रोब। आप याद रखना ज़रूर। अडुडु को प्रोब मिला था बहुत पहले अटाटाटिका पे, जहाँ पे प्रोब पहली बार क्रिएट किया गया था, और प्रोब एक पहला डिस्ट्रॉयर रोबोट था जिसे क्रिएट किया गया था। उसके बाद वो सफल भी हुआ था, पर कुछ पानी के गिरने के गड़बड़ी के वजह से उसे फेल कर दिया गया और कचरे के ढेर में गिरा दिया गया, जहाँ पे अडुडु काम करता था। और वहाँ पे अडुडु ने प्रोब को बचाया और उसे ठीक कर दिया अपने बुद्धि से, और अटाटाटिका प्लैनेट से ले गया। उसके बाद से ही प्रोब उसके साथ ही रहता है, और प्रोब को हमें बहुत कलरों में दिखाया गया है अब तक, जैसे कि पर्पल, उसके बाद रेवन कलर, कभी पिंक कलर। और सिर्फ प्रोब ही नहीं है, आंटी प्रोब भी है, और प्रोब का बहुत सारे पावर है, पर इन पावर को यूज़ करने के लिए उससे चाहिए एनर्जी, और वो मिलता है कोको से। हाँ, तो कोको देने के बाद उस वो डिस्ट्रॉयर रोबोट में बदलता है सुपर प्रोब, सुपर डुपर प्रोब, मेगा प्रोब, सुपर आंटी प्रोब, और भी बहुत कुछ, जैसे कि रोबो 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 लस की क्या फालतू नाम है, फिर भी बहुत ही अच्छा है। और भी बहुत सारे पावर है उसके पास, और उसको एनर्जी के बिना भी बहुत कुछ बनना आता है, जैसे कि वॉशिंग मशीन, ओवन, उसके बाद सिलेंडर, उसके बाद प्रोब पैन, प्रोब वैक्यूम क्लीनर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद हमें प्रोब को बहुत सारे व्हीकलर पर भी दिखाया गया है, जैसे कि प्रोब कार, प्रोब कॉप्टर, प्रोब जेट। मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, आप पिक्चरों में देख लीजिए। अब बात करें प्रोब के वेपन्स के बारे में, तो प्रोब के वेपन्स है लेज़र शॉट, लेज़र बुलेट, लेज़र गन्स, लेज़र गैस, मड शॉट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और प्रोब को, प्रोब ही एक पहला कैरेक्टर है बोवाई सीरीज में जो एक बार मरा और फिर से सीजन 3 पे जिंदा भी हो चुका। अब बात करें प्रोब को मारने वाला सेकेंड डिस्ट्रॉयर रोबोट डेइजी। अब आप लोग सोच रहे हो कि डेइजी ये नाम तो अच्छा ही नाम है, तो इस नाम पे बोवाय पूरा स्कूल और पूरा दुनिया जमाने के जितने मलेशियन हैं सब लोग क्यों हंसते हैं? तो मैं बता दूं कि डेइजी कोई फनी नाम नहीं है, डेइजी असल में उसका नाम ही नहीं है, उसका रियल नेम है पेटाल। हाँ, बहुत ही फनी है। पेटाल एक साउथ एशियन एक सब्जी है जो मुझे पसंद नहीं है, अगर आपका फेवरेट है तो माफ़ करना, मैं आपके दावत में नहीं आ सकता हूँ। तो पेटाल सब्जी जो भी हो,
छोड़ो उसे। अब बात करें डेजी के बारे में, तो डेजी एक ब्लैक कलर का इजोजो का डिस्ट्रॉयर रोबोट है जो बहुत ही शक्तिशाली है, और उसे सेकंड वो है जो बोबॉय सीरीज में मर चुका है, और उसे मारने के लिए पहले तो बोबॉय के तीनों एलिमेंट की ज़रूरत पड़ा, उसके बाद शैडो ड्रैगन, और वो ऐसा वैसा ड्रैगन नहीं था, फैंग का पहला बड़ा क्रिएट किया हुआ मेगा ड्रैगन था जो बहुत ही मुश्किल से बाहर आता है और निगल लेता है। बस पेटल मतलब डेजी बहुत ही शक्तिशाली एक डिस्ट्रॉयर रोबोट है ब्लैक कलर का, और वो प्रोप की तरह छोटा नहीं हो सकता है, यही उसका एक प्रॉब्लम है। और उसे सेकंड टाइम देखा गया था सीजन 3 पे जो था 5-5 डिस्ट्रॉयर रोबोट, पर क्या करे लहाब के सामने कौन जीत सकता है। हाँ वही लहाब जिस कैप्टन का जो पालता है। हाँ अभी बात करें डेजी के शक्तियों के बारे में, तो डेजी के शक्ति है डिस्ट्रैक्शन लेज़र जो एक लाल रंग का लेज़र है बहुत ही शक्तिशाली, उसके बाद एक शील्ड या फिर बोले तो ऑरा रेवन कलर का, उसके बाद ड्रिल करना, रॉकेट लॉन्चर, मिसाइल उड़ना एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब बात करेंगे हम हमारे इस वीडियो का बोनस डिस्ट्रॉयर रोबोट के बारे में, यानी अडूडू का ग्रीन डिस्ट्रॉयर रोबोट, जिसे अडूडू को मिला था अपना स्पेसशिप बेचने के बाद, एक चम्मच खरीदने के बाद उसके साथ फ्री। जो भी हो वो ग्रीन डिस्ट्रॉयर रोबोट का भी एक नाम है जो हिंदी पे नहीं लिया गया था, जिसका नाम है मुकाला का रोबोट डिस्ट्रॉयर, जो बहुत ही शक्तिशाली एक डिस्ट्रॉयर रोबोट है, और वो ऐसा वैसा डिस्ट्रॉयर रोबोट नहीं है, वो बहुत ही पावरफुल डिस्ट्रॉयर रोबोट है, और उसे कंट्रोल किए बिना वो चलता नहीं है, मतलब उसके अंदर 1% तो होना ही चाहिए। पर उसका एक कमज़ोरी भी है जो है कि उसके अंदर एक एनर्जी सोर्स डालना पड़ता है, जो हमें पहली बार देखा गया था सीजन 1 पर, जहाँ पर वो उसने ऑटोबॉट को डाला था, और ऑटोबॉट को डालने के बाद देखा गया था कि वो डिस्ट्रॉयर रोबोट तो ऑटोबॉट से पावर ऐसे खींचता है जब ऑटोबॉट को बहुत ही दर्द होता है, यानी ये डिस्ट्रॉयर रोबोट बहुत ही पावरफुल है, और इसके पावर्स के ना ही बोलो तो अच्छा है, फिर भी बोल देता हूँ, फ्लाइंग ब्लास्टर, लेज़र डिस्ट्रॉयर, उसके बाद लेज़र, उसके बाद हार्ड पंच जो 100 गुना शक्तिशाली है, मैक्सिमम लेज़र, उसके बाद रेड लेज़र ब्लेड जो बहुत ही शक्तिशाली है और मेरे फेवरेट है, ट्रिपल लेज़र मैक्सिमम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और आपको इन तीनों में से कौन सा फेवरेट है? मुझे तो फेवरेट है प्रोब और कोई नहीं। अब हम अपना आखिरी डिस्ट्रॉयर रोबोट के बारे में बात करेंगे, जो है इजोजो का डिस्ट्रॉयर रोबोट सीजन 3 पे दिखने वाला ओप्सी। बहुत ही शक्तिशाली एक रोबोट है, ये एक ऐसा रोबोट है जिसे चलाना पड़ता है, वो खुद ब खुद नहीं चल सकता है, वो एक सूट की तरह है, पर वो एकदम ही आयरन मैन का हल्क ब्लस्टर आर्मर की तरह है, वो चाहे तो पूरा एक पहाड़ तबाह कर दे सकता है, पर क्या करे कैप्टन काइजो के सामने कोई भी तबाह कुछ कर दे तो क्या कर सकते हैं। जो भी है उसका फुल मीनिंग है, ओप्सी का फुल मीनिंग है ऑब्वियसली आउटस्टैंडिंग प्राइम स्पेस इंस्ट्रक्टेबल एक्सोस्केलेटन, बहुत ही मुश्किल है इसलिए ओप्सी रखा है, अच्छा ही किया, पर उसका मलेशियन नाम है सांबल, जिसका मीनिंग है सूट आर्मर मेका ब्लास्टर, जो बहुत ही गुड एक नाम है, अच्छा ही हुआ ओक्सी बदल दिया, नहीं तो फनी कुछ मिलता ही नहीं है। जो भी हो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और आपका सबका फेवरेट तो अडूडू का ग्रीन रोबोट है, क्योंकि मैंने देखा था जब मैंने आपको वोटिंग की करवाया, आपने सब ने अडूडू का ग्रीन डिस्ट्रॉयर रोबोट को ही वोट दिया था। इस बार आप मुझे कमेंट्स में बताना कि कौन सा आपका फेवरेट है, और इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, और शेयर मेरे लिए नहीं तो बोबॉय के लिए करो, क्योंकि बोबॉय के लिए इस वीडियो को जितना शेयर करोगे उतना ही बोबॉय के फैन फॉलोइंग बढ़ेंगे, और इंडिया में बोबॉय गैलेक्सी आने का चांसेस बढ़ेगा।
पर मुझे नहीं लगता है बोबॉय गैलेक्सी पहले आएगा, बोबॉय मूवी 2 ही पहले आ जाएगा, क्योंकि बोबॉय मूवी 2 बोबॉय सीरीज का है, पर बोबॉय गैलेक्सी पूरा ही अलग एक सीरीज सीक्वल है, इसलिए उसके बारे में मैं अलग से बात करूंगा। मेगा मैटो के ट्रेलर के बारे में अलग से बात करूंगा जल्दी ही, अब मैं लेट नहीं करूंगा, चैनल को अब दौड़ा के चाहूंगा, इसलिए सब लोग सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, आखिर मैं बोलना चाहता हूँ एक बार कि सब्सक्राइब कीजिए लाल बटन को, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो बढ़ेगा लाल बटन का। हाँ हाँ बाय।